Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Charanodayam Gopijana Samayuktam Bindavanam Manohar Vancha Kalpataru Vaschaki Pasindu Vevacha Patitanam Pavane Bhavishnavibhyo Namo Namah Mukhan Karoti Vacha Lang Pangum Lang Haitigirim Yat Kipatam Hangabandi Paramahananda Madhavam Vrindavi Tulsidevi Piyavi Kesavasacha Krishna Bhakti Pade Devi Satya Vattvai Namo Namah Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prasapakasanecha Sadanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramadaksha Jagodvaranya Deyam Sada Paribhavagnam Avishtaduham Tethas Padam Siva Virinchinutam Saranyam Bhitatiham Panatapal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charana Ravindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chataya Bisvurjita Kimabhigavodushvadarshi Purna Nuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kadam Kroshi Sri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Sri Advaita Gadadhara Siva Sadihi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Shri Advaita Gadadhara Siva Sadihi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodato Sankitanai kapitaro kamala yatakso Vishambaru dijavaru jugadhar bapalo Bande yagat priyakaru karuna bataru Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare. Namami Gange Tava Pada Pankajam, Sura Surair Vandito Dibha Rupam, Bhuktin cha muktin cha dada sinityam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tovam bhagam Narayano priyamananga madapaharam Varanu Sikurapati Bhajavishanatham Bhagi Shajusha Badani Lakshmi Rijasacha Vakshashi Jasyasthi Desambhid Tvam Nishinga Maham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama,
राम राम हरे हरे। त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे सुतेक्षित पतनोन्नाथ पुंसम जद जद धियातुरुगाय विभावयति तत्तद वपु प्रणयसे सदनो गहाय। त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे सुतेक्षित पतनोन्नाथ पुंसम जद जद धियातुरुगाय विभावयति तत्तद वपु प्रणयसे सदनो ग्रहायो। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगतगुरु जी ने बताए सौत पंथा के द्वारा ही सिद्धि लाभ हो सकता। सौत पंथी सिद्धि लाभ जरूर करेंगे, तर्कों के द्वारा कभी सिद्धि लाभ होता नहीं। तर्कों के द्वारा तर्क अप्रतिष्ठ स्वतयो विभिन्न नासो मुनिर्जस्व मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वम निहितो गुहायम महायनो येनो गतु सपंथा। सौतपंथी सिद्धि लाभ करेंगे। सौतपथ नित्य संप्रतिष्ठित जो संत महात्मा 24 घंटा में 24 घंटा हरि कीर्तन करते रहते हैं, चौबीसों में 24 घंटा हर वक्त हरि कीर्तन हरि कथा में व्यस्त रहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं वो सिद्धि वो सिद्ध महात्मा जरूर है। वो जरूर सिद्ध महात्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं संकीर्तन यज्ञाग्नि चेत दर्पणमयी जो शिखा प्रज्वलित अगर ना रहे हमारा अंदर में संकीर्तन यज्ञाग्नि का चेत दर्पण मार्जन मई जो शिखा वो अगर हृदय में हर वक्त प्रज्वलित ना रहे तो आपस में हम लोगों में मनोमालिन्य छिद्रान्वेषण एक दूसरे का दोष अन्वेषण मत्सरता कपटता विद्वेष ऐसा अनर्थ धूलि किंकर धूलि लेप कंकर लेप ये समूह चेत दर्पण को आवृत करके रख देंगे। पूरा चेत दर्पण को आवृत कर देंगे और इसमें अलग अलग किस्म का शाखा प्रशाखा उद्गम हो जाएगा। अनर्थ राशि का अरण्यानी अनर्थ राशि का अरण्य सृष्टि हो जाएगा। आन इसमें धाबाग्नि भवदाबाग्नि जलते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, इसमें कोई सुविधा नहीं होगी। इसमें कोई सुविधा का बात नहीं है, आपस में टकराना आपस में एक दूसरे को दोष अन्वेषण करना ये सब चलते रहेगा और भवदाबाग्नि बढ़ते रहेगा उछलते रहें, उसमें कोई समाधान है नहीं, बिल्कुल कोई समाधान है नहीं। जरासल बात ये है जहां ज्ञानी लोगों का आदर नहीं है, जहां वास्तव दिव्य ज्ञानी व्यक्ति का आदर नहीं है, जहां संत महात्मा का कोई आदर नहीं है, संत महात्मा का शुद्ध आचरण का जहां कोई आदर नहीं है, निंदा है, जिस जगह नारी जाति पर भोग्य बुद्धि है, नारी जाति यहां उपेक्षित रहती है और भोग्य विचार में अवस्थित होती है, जिस जगह धर्मों और न्याय का कोई आदर है नहीं, जिस जगह धर्मों या न्याय का कोई आदर है नहीं, उस स्थान परित्याज्यो अर्थात वो स्थान छोड़ के चले जाना है। ऐसा संप्रदाय त्याग करना विदेह है, कारण ये निश्चित संकेत है
विध्वंस का संकेत है पूर्वाभास। ये सारे चीज विध्वंस होने जा रहा है, इसका इंडिकेशन, प्रायर इंडिकेशन। इसमें कोई रास्ता नहीं है। जिस समय संप्रदाय में गुरु वर्गों का दिखाया हुआ रास्ता संकीर्तन यज्ञों में हर वक्त आनंद मिलता है, उस जगह रहना जरूरी है। भागवत में तरह तरह का श्लोक बताया गया, इसका बारे में बाद में चर्चा होना जरूरी है, लेकिन अभी समय कम है, ऐसे ही आधा घंटा के ऊपर फूक गया। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भगवता सदाश्रय न यत्र यज्ञे समखा महोत्सव सुरेश लोकोपि न वैश सेवताम। जब अनुकूल संकल्प प्रातिकूल विवर्जनम का व्याख्या आएगा उपदेशामृत का, उस समय लंबा चौड़ा व्याख्या हो पाएगा। बड़ा सुंदर अनोखा श्लोक है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भगवतास्तदाश्रय न यत्र यज्ञे समखा महोत्सव सुरेश लोकयोपि न वै सेवताम। प्रभुपाद जी ने बताए अंटिल अनलेस देर इज अ स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन टू अवॉइड अ सत्संग, बांग्ला में बताए, जब तक हृदय में असत्संग त्याग करने का रिजोल्यूशन नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं है, ध्यान से सुन ले, जब तक हृदय में असत्संग त्याग करने का स्ट्रांग रिजोल्यूशन प्रतिज्ञा नहीं है हृदय में, तब तक हरि भजन में सिद्धि मिलना संभव नहीं है। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज कहते थे जीरो 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 जीरो, सब जीरो, कुछ नहीं होंगे। एक साथ सारे तत्वों का चर्चा करना संभव नहीं है, क्षमा करे। भक्ति तत्व में सिद्धि प्राप्ति होना संभव नहीं, जब तक शौत पंथा में आदर नहीं है। शौत पंथा में अवस्थित हमारा संत महात्मा का कोई आदर नहीं है, केवल निंदा है, चुकली है, राजनीति है उसका विरुद्ध में। ये टोटल विध्वंस होने का इंडिकेशन है। पोपा जी ने बताए बहुत पहले, हमी देखी तुम्हारे आगुन ले गए छे कपाले, हम देख रहे हैं कि तुम लोगों का तकदीर जल गया, खमाखा जला दिया, थोड़ा सा पैसा का पीछे, प्रतिष्ठा का पीछे। जिसका खुद का अनुभव नहीं है कि जिंदगी जाने वाला है, वो दूसरे को क्या अनुभव दिला सकता है? जिसका खुद का अनुभव नहीं है जो जिंदगी जाने वाला है, लाइफ इज अनस्टेबल, वो दूसरे को क्या है? क्या अनुभव दिलाएगा? संभव क्या है? संभव नहीं है। बड़ा आश्चर्य की बात है, प्रभुपाद जी आज नहीं, प्रकट दशा में कह के गए, मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का तकदीर जला दिया आप लोगों ने, क्या काम है? इंसाफ का तराजू भगवान के हाथ में है, राम जी के हाथ में। इंसाफ का तराजू श्री श्री राम जी के हाथ में है। एक कुत्ता भी श्री राम जी से हक मांगा, इंसाफ मांगा। भगवान श्री कृष्ण का भजन ऐसा है कि कृष्ण भजन करने जाओ तो कोई कंप्लीट, कोई अगर आपका कोई कंप्लेन है तो जरूर आप कृष्ण भजन नहीं कर सकते। महाराज जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा तो अच्छा, जो हुआ था वो भी अच्छा। एक वैकुंठ दर्शन है, जो मेरा जिंदगी में हुआ मेरा साथ वो सब अच्छाई के लिए, जो होगा वो भी अच्छाई के लिए, जो हो रहा है वो भी अच्छाई के लिए। ये वैकुंठ दर्शन है।
ये वैकुंठ दर्शन है। अप्राकृत जगत का शब्द ब्रह्म को आरोप लगाना संभव नहीं है। अगर कोई उल्लू का पट्टा लगाने जाए तो वो मरेगा। अप्राकृत शब्द ब्रह्मों पर आरोप लगाना संभव नहीं है कि वो ट्रांसेंडेंटल अप्राकृत शब्द ब्रह्म है। उसने आरोप लगाना संभव कैसे? वो तो अप्राकृत जगत से आ रहा है, उसका कोई दोष नहीं हो सकता। अगर कोई आरोप लगाने जाए तुम्हारे, भगवान श्री कृष्ण का भजन ऐसा है, कृष्ण भजन में श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान परात्पर अखिलेश्वर स्वयं रूप भगवान, जो कृष्ण है वही कृष्ण चैतन्य, न चैतन्यात कृष्णात जगती परतत्व परमेह, वो चैतन्य महाप्रभु जी ने सिखवाया, हम लोगों को सिखाया। आश्रिष्व पदम पिनाष्टम अदर्शनात् मरमातं करतु वा जथा तथा विधातुरम पटमात्मनाथा सुसैवना पर, मेरे को कुचल डाले भगवान पैर का नीचे, या तो मेरे को आलिंगन देखे, मेरे को सुखी हो जाए खुद, कोई हर्जा नहीं, किसी तरह का व्यवहार हो जाए मेरा साथ। ये ठाकुर जी का अनोखा व्यवस्था है। बस एक चीज पक्का होनी चाहिए, किसी भी आपत आ जाए, कैसा भी आपत आ जाए, कैसा भी आक्रमण आ जाए, बस स्रोत पंथा को नहीं छोड़ना। प्रभुपाद जी ने बताएं, हर हालत में स्रोत पंथा को जपट के रखना, एकदम स्रोत पंथा को छोड़ना नहीं। गुरु जी ने उदाहरण दिए थे, बाबा समुन्द्र में इतना बड़े लहर आते रहते हैं, बड़े बड़े लहरे, पूरी में देखा है ना हमें, गुरु जी देखे हैं, बड़े नहाने जाओ तो उसका कोई कौशल टेक्निक अगर ना जानो तुमको धक्का लगा के फेंक देगा। वो कैसा टेक्निक है, बड़े बड़ा एकदम लहर आए तो उसमें एक घपटी लगा के बैठ जाओ, नीचा होके माथा नीचा करके, ऊपर से लहर चले जाए उसका बाद माथा ऊंचा करो। ऐसा एक भी संत महात्मा नहीं है जिसका जिंदगी में मुसीबत ना आए, एक से दूसरे मुसीबत, एक से दूसरे बड़े बड़े मुसीबत, क्योंकि भगवान का ये व्यवस्था है। नेगेटिव विषय के द्वारा पॉजिटिव विषय के कन्फर्मेशन करना, दिस इज द टेक्निक ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। चाहे प्रभुपाद की जिंदगी में, भक्तिविनोद ठाकुर की जिंदगी में, रामानुजाचार्य माध्वाचार्य हु नॉट, सब कोई की जिंदगी में, रामानुजाचार्य को चरणामृत के साथ विष दिया गया, खाने के साथ विष दिया गया, पिटाई करने का व्यवस्था किया, प्रभुपाद की वो मारने का व्यवस्था किया, तो ये होगा ही। इसका मतलब है भजन पक्का है। कोई आफत ना आए, कोई मुसीबतें ना आए, तो जरूर आप माया का साथ समझौता कर रहे हैं, माया का साथ आप समझौता कर रहे हैं। जैसे पॉलिटिकल कोअलिशन सरकार बनते हैं ना, जरूर आप माया का साथ समझौता कर रहे हैं, नहीं तो आत्मवस्तु का ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो इन जनरल सेंस हम लोग कहते रहते हैं कि माया का साथ समझौता करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जिंदगी भोगोगे, सन्यासी का आचार्य का जिंदगी, सन्यासी का जिंदगी, कोई साधु का जिंदगी आराम से बीत जाएगा। क्यों? वो माया का साथ कंप्रोमाइज कर रहा है। लेकिन असली बात तो ये है, माया का साथ आत्मवस्तु का कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि टोटली ऑपोजिट। माया का साथ नित्य आत्मवस्तु, आत्मा नित्य वस्तु है, उसका साथ कोई समझौता हो नहीं सकता। लेकिन जोर जबरदस्ती माया का ये अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, माया का ये व्यवस्था है, इसलिए चलते रहेगा। आपस में लड़ाई, आपस में झगड़ा, सौत पंथा का ऊपर अनादर, सौत पंथा बोलने जाओ तो उसका भारी निंदा चुकली। महाराज ये बड़ा हैरान की बात है, ये कैसे हो सकता? भले नहीं यही होगा कलिकाल में, कलिकाल में इससे बढ़कर कुछ आशा नहीं कर सकता,
क्योंकि शूद्रा प्रतिग्रही स्वंति तपवेश उपजीविना, जो शूद्र है महाराज, तंत्र मंत्र षड्यंत्र किसी भी हालत से हमको प्रतिष्ठा चाहिए, चाहे वो साधु को मार दो तंत्र मंत्र करके, कुछ भी करो हमको अपना प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ भी कर दो, गुरु भाई को मार दो, उड़ा दो, ये सब माया का प्रभाव है और कुछ नहीं। जहां लिखा हुआ है भागवत जी महापुराण में, शूद्रा प्रतिग्रही संति तपोवेश उपजीविना, जो शूद्र है हर वक्त शोक करते रहते, प्रॉफिट एंड लॉस लेके व्यस्त है, शूद्र है हर वक्त। प्रभुपाद कहते थे जो कलेक्शन में बिजी है हर वक्त, इकट्ठा धन दौलत प्रतिष्ठा इकट्ठा करने में व्यस्त है, वो मायावादी है, वो अभक्त है, उसका पैसा उसका प्रतिष्ठा भगवान का कोई विषय नहीं है। और गुरु वैष्णव का जो प्रतिष्ठा है ये भगवान का सेवा का उपकरण है, माधवेन्दु बुद्धिगत का जो प्रतिष्ठा है ये भगवान का ही सेवा का एक उपकरण है। प्रभुपाद का जिंदगी का जो प्रतिष्ठा है वो भगवत सेवा का उपकरण है, भक्तिविनोद ठाकुर जी का प्रतिष्ठा है ये भगवत सेवा का उपकरण है। सीधा सीधा शिला श्रीधर महाराज जी का जो जो प्रतिष्ठा है ये भगवत सेवा का उपकरण है, गुरु सेवा का उपकरण है। शूद्रा प्रतिज्ञा शांति तपोवेश उपजीविना, विदाउट एनी जजमेंट, बस भर्ती करो, बस भर्ती करते चलो, चाहे शूद्र हो, खूनी हो, लक्कर हो, मक्कर हो, लाओ लाओ मठ में, लाओ मठ में, लोगों का अभाव है। ऐसे कभी भक्ति राज्य में कभी भी समाधान होना संभव नहीं है, ये हम नहीं भक्तिविनोद ठाकुर पहले ही कह दिए। कभी भी शिष्य बनाने का नाम पे अगर कोई गद्दार बना दो, शिष्य बनाने का नाम पे कोई मक्कार बना दो, चोर बना दो, लुटेरा बना दो, तो ये भजन समाज में ऐसे ही होते रहेगा। बंदरों को संख्या वृद्धि ये माया देवी का खेल है, प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए। अगर त्यागी व्यक्ति का संख्या बढ़ते चले, भक्तिविनोद ठाकुर बता दिए, किताब जल्दी प्रकाशित होने वाला, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी बोथ, बहुत जल्दी, जिंदगी कब चले जाए ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं जिंदगी कब चले जाए, बहुत जल्दीबाजी है, हमको करना है। भक्तिविनोद ठाकुर अपना आर्टिकल में लिखे हैं, अगर त्यागी व्यक्ति की संख्या बढ़ते चले, सन्यासी त्यागी, ये जरूर समझ लो ये माया देवी का एक प्लॉटिंग है और कुछ नहीं। क्योंकि शूद्रा प्रतिग्रही संति तपोवेश उपजीविना, वो त्यागी बन के अपना रोटी पानी का व्यवस्था कर ली, आराम से बैठे रहें, निकम्मा होके बैठे रहना ही भजन है, ये समझ लिया। शूद्रा प्रतिग्रही संति तपोवेश उपजीविना, और धर्मों का बारे में कौन बता रहे, बचे धर्मम बक्षंती अधर्मज्ञा अधिरूरो उत्तम आसनम, उत्तम आसन में बैठकर धर्मों का बारे में लेक्चर दे रहा है। धर्मम बक्षंती अधर्मज्ञा, जो स्वयं अधर्मों का पालन करते हैं, जो प्रमाण नहीं कर सकता कि गुरुवर्गों का दिखाया हुआ रास्ते में चल रहा है, हिम्मत नहीं कि सामने आके निशिंग भगवान को स्पर्श करके बताए कि हमने कोई असत्संग नहीं किया, हमने जोशी संग नहीं किया, हमको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, ये बोलने का हिम्मत नहीं है, लड़ाई झगड़ा का दरकार नहीं। तीतो महाराज जी कहते थे किसी का हिम्मत नहीं सालग्राम छो के कहे कि हमको भगवान चाहिए, किसी का हिम्मत, छाती ठोक के कहते थे किसी का हिम्मत नहीं कि कहे कि हमको भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बोलने का हिम्मत नहीं है, छाती ठोक के कहते थे भगवान को नहीं चाहिए, भगवान से चाहिए, भगवान से चाहिए, भगवान को चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए। धर्मम बक्षंती अधर्मज्ञा अधिरूरो उत्तम आसनम, और
क्या धर्म है क्या अधर्म है इसका बारे में जिसका पैसा का ताकत है उसी का ही चलेगा। अगर किसी जनानी किसी संत महात्मा का बारे में उल्टा बोल दिया तो पैसा वाले लोग देगा अच्छा है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी हुआ, इसका एक नाजायज फायदा लेकर उसको रैप्चर करो, जैसे कि कथा बंद हो जाए हरि भजन बंद हो जाए इसमें मेरा मार्केट खराब हो जाएगा। ऐसा विवेकहीन अविवेकानंद, ये अविवेकानंद ये सब है। धर्म न्याय व्यवस्थायम करणम बलमेव ही, क्या धर्म है क्या अधर्म है क्या न्याय है क्या अन्याय है इसमें कारणम बलमेव ही, अर्थ बल लोक बल जो कुछ भी है ये सब बल ये साबित करके रखेगा कि साधु झूठा है, ये झूठा है, सब झूठा है, मैं सच्चा हूं। धर्म न्याय व्यवस्थाएं क्या धर्म क्या अधर्म है इस व्यवस्था में कारणम बलमेव ही, जिसका ताकत ज्यादा है पैसा का वो पुलिस को भी चुप करा देगा, पैसा देगा गुंडा लगा देगा, इसका तो ये पावर है। और तो आध्यात्मिक पावर तो है नहीं, स्पिरिचुअल पावर है नहीं, सामने आने का हिम्मत नहीं। और दंपत्तिर अभिरुचि विप्रत्ये सूत्रमेव ही, महाराज हम ब्राह्मण है देखते नहीं है कमा जेन्यू है, देखते नहीं कि हमारा जेन्यू है, बता रहे ये कलिकाल का ब्राह्मण है, कलिकाल का संन्यास है, ऐसा ही चलेगा। दाम्पत्य अरे रुचि हुआ तो भांगी से शादी कर लो कोई बात नहीं। बांग्ला में एक कहावत है, जार संगे मौजे मौन कीबा हाड़ी कीबा डोम, बांग्ला में कहावत है जार संगे मौजे मोन कीबा हारी कीबा डोम, क्या हारी है क्या डोम है क्या लेना देना है महाराज, हमारा प्रेम हो गया भांगी से, हो गया अच्छा है बढ़िया है, कलिकाल तो यही होगा, ऐसे ही चलते रहे। और जब उपदेशामृतों का व्याख्या शुरू हो तब ये श्लोक का लंबा चौड़ा व्याख्या हो पाएगा। कौन सी श्लोक, न यत्र वैकुंठ कथा सुदापगा न साधवो भगवता तदाश्रया न यत्र योगेश मखा महोत्सवा सुरेश लोको ओपी न वैशसेवतम। शरणापत्ति का जो छह लक्षण है, शरणापत्ति का छह लक्षण है, हैं छह लक्षण आप वो जानते ही हो, छह लक्षण, प्रतिकूल विवर्जन अनुकूल स्वीकार करना, एकमात्र कृष्ण को रक्षाकर्ता बोल के विश्वास करना, चार कृष्ण को अपना प्रतिपालक बोल के वरण करना जिंदगी में, मैं कोई नहीं होते मैं कौन हूं, मैं और मेरा जो कुछ भी है सब कृष्ण का ही है, ऐसा विचार बना लेना हृदय में। और कार्पण्य ये है कार्पण्य, और हम सर्वपेक्षा दीन है, मेरे से दीनहीन कोई नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु दिखाया हुआ रास्ता है ना, त्रिनाद विष्णु जो तरुण अमान महोदय कीर्तनियो सदाहरी। कोई अगर केशव कुशी महाराज को गाली दे, संत महाराज को गाली दे, ये व्यवहार नहीं जानते, इसका वैष्णवता नहीं है तो उल्लू का पट्टा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, जो हरि कथा का बार आ रहा हृदय में केशव कुशी महाराज हृदय में और बाहर में कट्टर भाव, एक तरफ इसको उपाधि दिया गया ये आचार्य जो केसवरी है, और किसी ने अगर गाली दे उल्टा कहे महाराज जी के बारे में तो वो ही खुद मरेगा, वो कोई खुद ही मरेगा ना, शास्त्रों में जानते हो नहीं ये बात है, निंद्याम भगवत श्रृण्यम तत्परशो जनशोभा ततो नापैति यसोपि
याति राधा सुकृता च्युता, अपना सुकृति लिखा हुआ है वैष्णव निंदक जो है उसका क्या आयु श्रीयो यशो धर्मो लोकान आशीष एवच हंतिंग श्यांश सर्वानि महद अतिक्रम। आयु, अपना आयु कमती होते जाएगा वैष्णव अपराध के द्वारा, आयु श्रीयो देखने में आगली हो जाएगा कुत्सित कदा का, यशो अपना कमाया हुआ जितना जस है पूर्व समय में सारे नाम जस सारे जाएगा, आयु श्रीयो यशो धर्मो, भागवत धर्म तो विनाश नहीं होते लेकिन अपराध करने से वो भी खराब हो जाते, थोड़ा बहुत किया अगर है तो भी, और जनरल धर्मों का कहना ही क्या, ये तो नाश हो जाएगा। आयु श्रीयो यशो धर्मो, ये जनरल धर्म है। लोकान आशीष एवच, हो सके कि हमारा गुरु, हमारा बड़े बूढ़े मेरे को आशीर्वाद किया होगा पहले। आयु श्रीयो यशो धर्मो लोकान आशीष एवच हंदिंग श्यांश सर्वाणि महद अतिक्रम। महत व्यक्ति का चरण में अपराध करने से किसी बाप का हिम्मत नहीं हो बचे रहे। चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है सुलोपानी समो यदि अधिकारी हो, अगर सुलोपानी शंकर भगवान जैसा अधिकारी हो वो भी नाश जाए। चलो ठीक है, लंबा चौड़ा व्याख्या करने के इसका टाइम नहीं, बाद में हम जरूर याद रखेंगे। न यत्र वैकुंठ कथा, जहां वैकुंठ कथा का कीर्तन नहीं है, हरि कथा भी हो रहा है, ये भी जड़ कथा है, अपराकृत कथा नहीं है, क्योंकि सौत पंथा में नहीं है। लोग सौत पंथा का निंदा करता है, जहां हरि कथा सौत है, अरे ये हमारा संप्रदाय का नहीं, छांट दो इसको। अरे पोपात को भी छांट दिया था सहजिया लोग, उसमें क्या आएगा जाएगा। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, जहां अमृतमय वैकुंठ कथा नहीं है वो जगह नहीं रहना। न साधवो भगवत सदा श्रया, भगवत चरण में आश्रित शरणागत भक्त जो जिस जगह पर नहीं है उसको वो जगह छोड़ दो, वहां नहीं रहना चाहिए, उस जगह पर नहीं रहना चाहिए। न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव, जहां महामहोत्सव यज्ञेश मखा नाम यज्ञ ही हमारा अप्रूव्ड है कलिकाल में, यहां लिखा न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव, जहां भगवान का यज्ञ नहीं है, हरि कथा कीर्तन का यज्ञ नहीं। ये सुरेश लोग, या मेरे को अगर स्वर्गमी स्वर्ग लोक में लेना चाहो, वहां अगर भगवान के कीर्तन नहीं है हम जाने के लिए तैयार नहीं। सुरेश लोको ओपी नौ बोई सभ्यता, वो जगह जरूर निश्चित रूप होगा, जगह वैष्णव लोगों का भक्तों का रहने का जगह ले, चाहे कितना भी फैसिलिटी मेरे को दे दो, मेरा ऐसा फैसिलिटी दरकार नहीं। मेरा दरकार पौपात का कीपा, चाहे तमाम दुनिया मेरा अगेंस्ट चले जाए, मैं सिर्फ इसी भरोसे में जिंदगी जी रहा हूं कि पौपात मेरा साथ है, गौकिशोर बाबा मेरा साथ है, भक्तिविनोद ठाकुर मेरा साथ है, केशव गोस्वामी महाराज मेरा साथ है। एंड आचार्य जो लोगों ने अनाउंस भी किया, ये चिट्ठी भी है मेरा पास, फिर भी देखो माया देवी का क्या खेल है, लिखा है महाराज यू आर एंजॉइंग फुल कृपा ऑफ गुरुवर्ग, और लिखा यू आर द सपोर्ट ऑफ ऑल फॉरेन सोल ऑफ फॉरेन कंट्री हियर देयर। वही आचार्य वही महाराज लोग लिख रहा है मेरा विरुद्ध में, बस जल्दी जल्दी, थोड़ा समय का फेर नहीं है, एडवाइस दे रहा है ना जाओ, महाराज अपराधी है, कड़क बोलता है महाराज अपरा नमस्कार महाराज जी को छांट दो। अरे छांट दो क्या जाता है, हम तो चाहता है दिल से तुम लोग छांट दो, ये मेरा इप्सित है। जो भी है आपस में लड़ाई झगड़ा ये तो चलते रहेगा, ये कौन रुकेगा। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को प्रश्न किए, यह प्रभुपाद श्री रामचंद्र भगवान और परशुराम ये दोनों तो भगवत अवतार है, बोला हां ठीक है, तो एक ही समय दोनों का
ये प्रपंच में अवस्थित होना कैसे संभव है? देखो ज्ञान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये प्रश्न ऐसा है। प्रभुपाद जी के सामने कोई आदमी कह रहे हैं श्री रामचंद्र भगवान और परशुराम ये दोनों ही तो भगवत अवतार है, हाँ क्या हुआ? तो एक ही समय दोनों का एक साथ ये धरती पर स्थिति कैसे संभव हुआ? और कैसे संभव हुआ कि रामचंद्र परशुराम का शक्ति हरण कर लिए? एक अवतार दूसरे अवतार का शक्ति हरण कर लिया, कैसे संभव है? शायद आप भूल गया, आपको याद नहीं है एक श्लोक, ध्यान से विचार करना है इस श्लोक पर। कौन सी श्लोक है? इस श्लोक में विचार करना जरूरी है। दीपार्ची दीपार्ची रेव ही दशांतरम अभ्यपेतो दीपायते विवृत्त हेतु समान धर्म जस तद्रिक एव ही च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजाम। याद है ना ब्रह्म संगीता के श्लोक, दीपार्ची रेव ही दशांतरम अभ्यपेतो, जो ब्रह्म संगीता में कहने का मतलब यह है अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण गोविंद अनादिरादि पुरुष, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। जो गोविंद है, जो कृष्ण है, वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। और यहां उदाहरण दिया ब्रह्मा जी ने, जैसे एक जैसा हजारों प्रदीप दीपावली का दिन, एक जैसा हजारों प्रदीप एक स्थान में इकट्ठा कर दी, और एक आदि प्रदीप है, ओरिजिनल प्रदीप है, जिस प्रदीप से दिया जलाने का व्यवस्था कर दी। धीरे से एक प्रदीप धीरे धीरे दूसरा प्रदीप में स्पर्श हो जाए तो तमाम हजारों प्रदीप जलना शुरू कर दी। लेकिन ये आदि प्रदीप तो आदि प्रदीप है, एक आदि प्रदीप को किसी भी जगह छोड़ दो, उसको और ढूंढ के छांटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दीपार्ची रेव ही दसंतन मुभुपित्तो दीपायते विवित्त हेतु समान धर्म जस तद्रिक एव ही च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजाम। महाराज कहने का मतलब ये है, भगवान विष्णु का जितना सारे अवतार हैं, भगवान कृष्ण स्वयं अवतारी है, और भगवान का जितना सारे अवतार है, ये सारे अवतार जो है इसमें कोई छोटा बड़ा बनाने का प्रचेष्टा मत करो, क्योंकि सब एक है। इसको अगर छोटा बड़ा बनाने का कोशिश में लगो तो ये आपका लिए डेंजरस है, संभव नहीं। लेकिन आदि प्रदीप तो गोविंद है ही है, इसमें छोटा बड़ा करने का कोई हिसाब नहीं है। विष्णु तत्व तो सारे एक है, राम निशिंग बराहो कूर्म देवता से लेकर जितना सारे, ऐसा है शक्ति का तारतम्य, लीला का तारतम्य है, शक्ति प्रकाश का तारतम्य, शक्ति कमी नहीं है, शक्ति प्रकाश का तरतम होता है और लीला का विशेष हो सकता है। जैसे राम निशिंगो परावरस्त अवतार, परावरस्त अवतार वैकुंठ में कई चेंबर है, प्रकोष्ठ है, सारे अनोखा है, अनंत है, और इसमें वैकुंठ में अवधपुरी सबसे ऊपर है और निशिंगो और रामचंद्र परावरस्त अवतार, और इसमें रस का भी कम बेसी विचार है। भगवान विष्णु तत्व का बारे में छोटा बड़ा करने जाओ तो अपराध होगी, ये करना जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान का शक्ति का प्रकाश का तरतम होता है, और एक विशेष है, भगवान का लीला का वैचित्र है, मिठास,
जैसे मुरारी गुप्त जी को महाप्रभु जी ने बताए राम का जो भजन कर रहे हो इसमें जो मिठास है कृष्ण भजन में ज्यादा मिठास है। यही बात रूप सनातन जी ने अनुपम को बताए, चलो तीन भाई मिलके कृष्ण भजन करें, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि जो जिसका जिसका जो भजन अनंत काल का अपना स्वरूप है उसी में होगा, जोर जबरदस्ती नहीं हो पाएगा। जीवों का अपना अपना स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, उसको वो अभी छुपा हुआ है, जोर जबरदस्ती होने से होगा नहीं। तो अनुपम जी कर नहीं पाए ऐसा है। और दक्षिण में जब महाप्रभु गए वहां एक बात विचार है, वेंकट भट्टो आदि और गोपाल भट्टो गोस्वामी जो गोपाल थे पहले आश्रम में, गोपाल भट्टो गोस्वामी फिर उसको खुल्ल तातो ये गुरु है प्रबोधानंद सरस्वती पद, ये लोगों को लक्ष्मी नारायण भजन है। तो क्या हुआ, लक्ष्मी नारायण का भजन करते थे लेकिन इसका महाप्रभु का संघ का प्रभाव ऐसा है, इसका विचार बनाया है इसमें जे ये नारायण का भजन आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नारायण भजन में इसका कोई स्वरूप है पहले वो इरेस कर दिया गया और नया स्वरूप, ऐसा नहीं। ये पहले ये लीला रचाया लक्ष्मी नारायण का सेवा का, नहीं तो महाप्रभु का संग में भी मुरारी गुप्त का चेंज नहीं हो पाए। तो ऐसा है ये लक्ष्मी नारायण का भजन की और महाप्रभु का संग में ब्रजनंदन भगवान श्री कृष्ण ने भजन जो एक इसका प्रकाश हो पाया, ये नहीं कि नया हो गया स्वरूप, ऐसा नहीं, तो सिद्धांत तो विरोध होगी। जो भी है भगवान श्री कृष्ण का लीला में कुछ स्पेशलिटी है और पहले जो श्लोक दे के शुरुआत किया था, त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे, हित सरोज आससे सुतक्षित पतन अनुनाथ पुंसम, उसी बात पर हमारा सिद्धांत विजय टिके हुए हैं। वो सौत पंथा, ये सौत पंथा सौत वाणी, ये सौत वाणी में रहते हुए आगे चलकर धीरे धीरे भजन में तरक्की होते रहेगा। आत्मंग भक्ति योग परिभा भक्ति योग परिभावित तो हित सरोज आससे, हित सरोज आससे, हित हृदय में जैसा जैसा भजन का तरक्की है अनुभव है इसी के मुताबिक भगवान का प्रकाश भी हो पाएगा। जैसे एक उदाहरण दे दे, तुलसीदास जी का एक उदाहरण दे दे। तुलसीदास जी कांच मंदिर वृंदावन में गोपेश्वर के सामने जहां गोपियों ने उद्धव जी को सीखा वो जगह तुलसीदास जी का एक भजन कुटीर है। बहुत पहले तुलसीदास जी भजन करते करते, तुलसीदास जी सिद्ध महात्मा है और क्या, ऐसे तो लीला किया। तुलसीदास जी का बारे में ये लिखा हुआ है, वो स्वयं वाल्मीकि मुनि जो भी है, ये आपका भजन करते करते राम भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, इच्छा करके भगवान श्री कृष्ण मजा देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गया। तुलसीदास जी दंडवत किए, बड़ा भारी गदगद हो गए, लेकिन प्रार्थना किए, विनम्र प्रार्थना, प्रभु हमारा इष्टदेव का स्वरूप में जब भी मेरा ज्ञान है कि आप कृष्ण हो आप ही राम हो, लेकिन फिर भी मेरा स्वरूप मेरा जो इष्टदेव का स्वरूप है इसमें दर्शन देने से बड़ा मेहरबानी होगी। तो भगवान श्री कृष्ण इच्छा करके कृष्ण रूप संवरण किए और राम रूप में दर्शन किए, दर्शन दिए। तुलसीदास जी का एक बार नहीं बहुत बार दर्शन हुए, चित्रकूट पर्वत इसी दिन रामनवमी का दिन, और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे और माला पो रहे, माला बना रहे, ये राम जी
को देने के लिए। राम जी चंदन घिसते घिसते पानी पानी आंखों में, और तुलसीदास जी के सामने राम लाला स्वयं प्रकट हो गए, स्वयं प्रकट हो गए चंदन और माला लेने के लिए। ऐसा प्रेम की विलास है प्रभु का। राम जी के बारे में तो यहां तक कि कहा है उस आपदम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम रामाभिरामम भूयो भूयो नमामि अहम। राम जी का अवतार का विशेष है। राम जी का अवतार अगर नहीं होता तो मर्यादा का ये जो शिक्षा है कहां से मिलता। कृष्ण लीला ऐसा अद्भुत लीला है, इसने सब कोई का अधिकार नहीं है, प्रवेश नहीं है। राम जी का ये जो लीला है ये विशेष लीला है। इसमें मर्यादा स्थापन करने के लिए राम जी भगवान मर्यादा स्थापन करने के लिए तरह तरह का रास्ता दिखाए। इसका बारे में भागवत में श्लोक भी है। कहाँ तक हम चर्चा करें, समय भी अल्प है, थोड़ी समय पे इतना चर्चा हो नहीं पाता। ये जो दो श्लोक है इसका बारे में हम थोड़ा बहुत टच करेंगे, कभी अगर ठाकुर जी का कृपा हो तो चर्चा कर पाएंगे। कौन सी है? धेयम सदा परिभवग्न अभिष्ट देहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम भेतात्यम प्रणतपाल भवाद्विपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंद स्तक्त्वा दुस्तज्ज सुरेप्सी तुराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ अर्ज वचसा जदगादरण्यम माया मृगम दैतप्सितं वधावदो वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। ये दो श्लोक का बारे में तरह तरह का विचार है, हम थोड़ा इसको स्पर्श करेंगे। उसका पहले ब्रह्म संगीता का इस श्लोक का चर्चा को खत्म करें। पहले पहला श्लोक है ये, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये आपको चर्चा की। और दीपार चिरे वही दशांतरम अभ्यपेत दीपा यथे विवित्त हेतु समान धर्मा जस्ताद्रिक एवही च विष्णु तया विभाति गोविंद मादि पुरुषम तमाम भयान। एक दीप से दूसरा दिया जलाओ तो एक जैसा है, तो एक जैसा दिखेगा, फर्क नहीं दिखेगा। ऐसा ही है ब्रह्मा जी, जगत गुरु ब्रह्मा जी ने यह सिखाया। और एक श्लोक ब्रह्मा जी ने बताए, ये चर्चा होना जरूरी है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् ननावतारम अकरत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमोपमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या है? रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् ननावतारम अकरत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमोपमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। परमेश्वर परात्पर अखिलेश्वर स्वयं भगवान कृष्ण हैं, लेकिन एक कृष्ण वृंदावन का अंदर स्वयं रूप भगवान, और भगवान का प्रथम प्रकाश विग्रह बलदाव जी महाराज, प्रथम प्रकाश विग्रह जिसका बारे में बताया गया शास्त्र सिद्धांतों में, मूल संकर्षण और मूल संकर्षण से चतुर्भुव भये चतुर्भुव हुआ गोलोक धाम में, उसका बाद वैकुंठ जगत में भी चतुष्कोण में चारों चौकोना चारों तरफ चार है, वसुदेव शंकरसन अनुद्धुन्नो सारे हैं। ऐसा करके हमने विचार दिखाया कैसे महाविष्णु होते हैं, और ये महाविष्णु इस जगत में जितना सारे अनंत ब्रह्मांड प्रकाश पे एक एक ब्रह्मांड में गर्भगोसाई रहते हैं, एक ब्रह्मांड का मालिक, और एक एक ब्रह्मांड में हर क्षीर सागर रहते हैं पृथ्वी में, इसमें क्षीर सागर में खिरद गोसाई विष्णु रहते हैं। ऐसा विचार हमने दिखा है पहले भी बहुत बार, अभी समय नहीं है। रामादि या विचार कर लो, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् अंशो कला एते चांस कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्लोक का विचार करना बहुत बार हो चुका पहले।
तो रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन नानावतार अकरोत् भुवनेश। किंतु नानावतार हो सकता है भगवान का अंश कला ऐसा करके अनंत ब्रह्मांड में अनंत लीला भगवान रचाए, लेकिन याद रखना गोविंद आदि पुरुषम तमाम भजामी गोविंद आदि हो। नाउ ये जो परशुराम वाला जो विचार आया, श्री राम और परशुराम अगर दोनों ही भगवत अवतार है, दोनों का एक समय एक ही समय ये जगत में प्रकट रहना कैसे संभव है। प्रभुपाद जी के सामने एक व्यक्ति ने प्रश्न रख दिया और रामचंद्र कैसे परशुराम का शक्ति हरण कर लिया, ये कैसा संभव है। एक अवतार दूसरे अवतार का शक्ति, ये बड़ा विरोध लगता है अपेरेंटली। प्रभुपाद इसका उत्तर दिए, प्रभुपाद जी ने कह रहे हैं क्या एक दीप जलने से दूसरा दीप का जलना माना है क्या। एक कमरे में एक दीप है, क्या दूसरा एक अगर दीप है तो ये माना है क्या दो दीप जले, क्या माना, कौन सी माना है। एक दीप कमरे में रहने से क्या दूसरा दीप का जलाना माना है क्या, ऐसा तो नहीं। और दो दीपों में एक दीप का अप्रकाश हो जाए, क्या ये भी माना है क्या, ये तो संभव है। दो दीपों में एक दीप बुझ गया एक दीप जला हुआ है, इसमें क्या हर जाए। परशुराम सक्तावेश अवतार, जो लोग तत्व तत्वित पुरुष है हर वक्त इधर तत्व के बारे में बताते रहते हैं कि आम आदमी का कोई लिंक नहीं बनता, वो भूल जाते हैं, बार बार कहना भी संभव नहीं। अनंत का अनंत अनंत पारम है ना, ये जो शब्द ब्रह्म ये अनंत अपार है, एक बात को हजार बार बताना संभव नहीं है। अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, एक दीप रहने से दूसरे दीप दूसरा का दीप बुझ जाए तो क्या है, माना है क्या, ये हो सकता है। परशुराम सक्तावेश अवतार, सक्तावेश अवतार मतलब किसी उन्नतशाली जीव में उच्च कोटि जीवों में भगवान का शक्ति का आवेश हो जाए कोई विशेष काम को करवाने के लिए। जैसे व्यासदेव जी महाराज सक्तावेश अवतार, नारद जी में भक्ति सक्तावेश अवतार, भक्ति का शक्ति ये हो सकता। परशुराम इसमें भी शक्ति है सक्तावेश क्षत्रिय दलन के लिए। प्रभाती कह रहे हैं परशुराम सक्तावेश अवतार जीव तत्वों का अंडर आता है, किसी उन्नतशाली जीवों में शक्ति का आवेश हो जाए तो हो सकता है। जब परशुराम ने गलती कर दी, तमाम क्षत्रियो पृथ्वी का तमाम धरती का क्षत्रियो को 21 बार सारा तमाम क्षत्रियो को नाश कर डाला, क्षत्रिय कुल का विनाश कर दिया। क्योंकि इसमें परशुराम में विष्णु शक्ति का आवेश था, ऐसे कार्तविर्य अर्जुन जैसा पावरफुल नहीं है उसको भी पागल बना दिया, मार दिया, पागल क्या मार दिया, ऐसा संभव है। पितामह भीष्म के साथ लड़ाई कर दिया, देखो इसका क्रियाक्रम देखो, पितामह भीष्म के साथ लड़ाई कर दी। पितामह भीष्म कहे गुरु 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 रोपी अविले तब गुरु रोपी अविले तब स कर जा कर जो मजान तो उत्पत पति परित्याग विधीय थे। क्या गुरु का ऐसा काम है, मैं शास्त्रों का वचन लेके जी रहा हूं सही रास्ता पे चल रहा हूं, गुरु जी उल्टा बता रहे नहीं ये करो नहीं ये करो, अरे ऐसा कैसे करे। अम्बा अम्बालिका आदि महाभारत में आता है, शिकायत किया परशुराम का, भले इसको शादी करो, अरे शादी कैसे करे, मैं जन्म से आजन्म ब्रह्मचर्य वो तो पालन कर रहा हूं कैसे इसका भंग, नहीं मैं जान जन्म शादी करो, अरे कैसे शादी करो, कैसा बात कह रहे हो गुरु होके हैं। गुरु रोपी अवलित अफसो कर्जा कर्ज मजान तो उत्पत पति मनुष्य परित्याग विधीयते, परित्याग ऐसा गुरु को परित्याग करो जो क्या शास्त्रों में विधान है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो जानता भी नहीं, उल्टा उपदेश देता है, खुद का हिम्मत नहीं है कि किसी को हरिकथा सुना के बचाए और दूसरे को बोले ना जाओ मत जाओ
उसका मत सुनो, अपराधी अच्छा, वो अपराधी है, तुम साधु आया, ठीक है चलो आगे चलकर माया देवी का परीक्षा हो जाए। सो रामचंद्र परशुराम का शक्ति हरण करने के लिए मजबूर हो गया था, क्यों? जब रामचंद्र को भी क्षत्रियो मानकर विनाश करने गए, अरे महाराज रामचंद्र स्वयं भगवान, यानी रामचंद्र भगवान ही तो है, और रामचंद्र का साथ लड़ाई करने गया और क्षत्रियो समझ के, एक ऐसा बात है, दुर्मत्त क्षत्रियो को ले ध्वंस साधन करने गया तो विष्णु का शक्ति भी शक्ति आवेश हुआ था उसमें, इसीलिए असंभव कर्म को समाधान कर दिया। और जब क्षत्रियो विनाश करने का चक्कर में रामचंद्र को भी क्षत्रियो समझ लिया और महाराज उसको आक्रमण करने गया तो रामचंद्र परशुराम का सारे शक्ति हरण कर ली, ये स्वाभाविक है, दिमाग खराब हो गया का, साक्षात भगवान है रामचंद्र, ईश्वर परम तो ठीक है लेकिन रामचंद्र स्वयं बलराम से आया है, उसको विनाश कर तो कैसे हो सकता, इसलिए इसका शक्ति को हरण कर लिया। मायावाद विचार में प्रतिष्ठित तो होना ठीक नहीं है। भगवान भगवान श्री कृष्ण वो भी नंदनंदन श्री कृष्ण वो भी भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण नंदनंदन श्री कृष्ण में संभव है, तमाम रसों का समाधान हो जाता है। शांतोदास्य सख्यो वात्सल्यो मधुर, पांच रसों का तमाम एक्सचेंज, तमाम रसों का भरपूर एक्सचेंज, फुल एक्सचेंज संभव है। तमाम रसों का एक रस, एक व्यक्ति दो रसों में अवस्थित नहीं हो सक्ता, चाहे संत रसों में, चाहे शक्कर रसों में, वात्सल्य रसों में, किसी भी रसों में, एक रसों में अवस्थित हो जाए, ये सारे रस एक एक अपना अपना विचार का अनुसार अनोखा है, और निरपेक्ष होकर विचार करने से मधुर रस सबसे ऊपर है। मधुर रसों का अंदर में तमाम रसों का विन्यास है, मधुर रसों का अंदर तमाम रसों का विन्यास है। शांतो दास्यो रामचंद्र का साथ सख्य थोड़ा बनाने का वो भी कंप्लीट नहीं है, वात्सल्य भी थोड़ा बहुत किया वो भी इन कंट्रोल, वो भी इसमें भी इन फुल एक्सचेंज नहीं हो पाए। सो इसमें रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन ननावताराम अकरत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमानजो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि, ये बात पक्का। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, कला ये सब लेके कभी अंश कभी कला ये सब हो चे, एते चांस कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान स्वयं है और बाकी जो अंश कला के हो सकता है इसमें कोई रोक, राम अवतार में विशेष है, अरे बहुत स्पेशलिटी है, राम अवतार अनोखा अवतार है। पहले तो आपदम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम रामाभिरामम भूयो भूयो नमामि अहम्, ओम नमो भगवते परमहंस रसासादितो चरण कमल चिन्मकरंदायु भक्त जन मनोस निवासायो श्री राम चंद्राय नमो नमः, ओम नमः भगवते परमहंस रसासादितो चरण कमल चिन्मकरंदायु भक्त जन मनोस निवासायु श्री राम चंद्राय नमः। ये सीधा समीपाद के द्वारा रचित श्लोक है, बड़ा आश्चर्य की बात है। भागवत जी का जो कमेंट्री है, भागवत जी महापुराण का जो व्याख्या टिप्पणी, उसका जो व्याख्या लिखने जा रहे हैं, उसका जो टिप्पणी लिखने जा रहे हैं, उसका पहले रामचंद्र का वंदना किया, अरे महाराज क्यों
कृष्ण इज द कृष्ण कंप्लीट अवतार, क्यों नहीं कृष्ण को किए? बोला हाँ ठीक है, कृष्ण कंप्लीट अवतार है, परिपूर्ण तमो नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो बताने गए भगवत में पहली ये श्लोक का रचना कर दी। और सीधा स्वामी का टीका का व्याख्या किए, टीका का ऊपर टीका, वंशीधरी टीका, सीधा स्वामी पाद का जो टीका है ये टीका का ऊपर फिर से टीका रचना किया वंशीधर जी महाराज, वंशीधरी टीका। सीधा स्वामी पाद जी ने जो लिखा है इसका लंबा चौड़ा व्याख्या कर दी ये वंशीधर जी महाराज, लंबा चौड़ा टिप्पणी की इसमें का, इसमें लिखा हुआ है ये जब सीधा स्वामी पाद जी सुबोधनी टीका रचना करने के लिए वापस एनो अपना टीका रचना करने के लिए व्यस्त हो गए, उसी समय में वंदना करना शुरू कर दिए और वंदना करने के बाद तुरंत याद आ गया ये अथई सागर, ये भागवत समुद्र, ये भागवत समुद्र को पार करना कोई आसान बात नहीं है। भागवत समुद्र है ये समुद्र, ये भागवत नामक समुद्र को पार करना संभव नहीं है। तुरंत याद आ गया चलो राम जी ने तो असंभव को संभव कर दिया था, रामेश्वरत से रामेश्वर से लंका तक तो सेतु बंधन किया पानी के ऊपर, ये भागवत नवोद जो अथई समुद्र है रस का सागर है इसमें भी सेतु बंधन करने के लिए राम जी का शरण में आए। ऐसे तो ब्रजवासी लोग हर वक्त गाते रहते हैं आयो रे मदन गोपाल शरण तुहार, ब्रजवासी लोग गाते रहते आयो रे मदन गोपाल शरण तुहारी। आइए रामचंद्र का बारे में याद आ गया और तुरंत ये शक रचना किए ओम नमो भगवते परमहंस रसासादितो चरण कमल चिन्मकरंदायो भक्त जन मानस निवासायो श्री रामचंद्राय नमो नमः। कोई कोई जगह रामचंद्र नमो नमः छोड़ के कृष्णचंद्राय नमो नमः कर दिया, ये दरकार नहीं था क्योंकि राम और कृष्ण अलग नहीं है, ये भी कर दिया किसी किसी जगह, बोले राम क्यों रहेगा कृष्ण कर दो। अब किसी मायावादी संप्रदाय में तो लड़ाई रह गई, हर वक्त वृंदावन में लड़ाई चलता है, महाराज राम पहले है कृष्ण बाद में आया तो महाप्रभु जी ने उल्टा कर दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, ये था पहले महाप्रभु जी ने उल्टा कर दिया महाप्रभु जी ने उल्टा कर दिया, हरे कृष्ण क्यों कर दिया, अरे क्यों क्या हुआ, बोले कृष्ण तो बाद में आया महाराज। ये सब मायावादी का विचार है, ये लोग कभी सुना ही नहीं तत्व तत्व तत्वविद कोई महापुरुष का पास ये लोग गया ही नहीं, कभी तो हरि कथा सुना ही नहीं, बाजार का कथा सुना है, बाजार का रिझाने वाला कथा सुना है, ये तो सुना ही नहीं भगवत तत्व विज्ञान, नहीं तो ऐसा तर्क वितर्क कहां से आया था, कहां से आया। मैं मानता हूं कि सत्ययुग में राम जी ऐ सप्तयुग में राम जी नहीं आए, ऐ त्रेता युग में राम जी आया और द्वापर युग में कृष्ण आया, लेकिन हुआ क्या, ये तो आलात चक्रवात एक शुद्ध एक चक्का जैसे कंटिन्यूसली चलते रहे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी है और एंड पॉइंट कौन से विचार किया जाएगा क्या, एक सर्कल है एक राउंड डिस्क है, वो अगर चलते रहे महाराज तो उसमें क्या स्टार्टिंग पॉइंट है क्या एंड पॉइंट है क्या, क्या कोई कोई रोक सकेगा, कोई विचार कर सकेगा, सत्य तेता दापर को लिए तो चलते रहते हैं, और इसमें क्या दोष है, अगर इधर लोग ये सब लोग मायावादी लोग बचा रहे बता रहे कि राम आगे आया है मूर्ख,
राम आगे आया कि किसी ये सब पे विचार चलता ही नहीं है, मायावाद का विचार है। अगर कृष्ण बाद में आया तो प्रह्लाद महाराज तो सत्ययुग का है, तो सत्ययुग का प्रह्लाद महाराज कैसे कृष्ण नाम कर दिया, ये तो उचित नहीं था। प्रह्लाद महाराज मोतीर्ण कृष्णे परतो शतोभा मिथो विपदे तो गिहो व्रतानम आदांत गोवीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वितो चारवनानम। क्या श्लोक है? मोतीर्ण कृष्णे परतो शतोभा मिथो विपदे तो गिहो व्रतानम आदांत गोवीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वितो चारवनानम। क्या लिखा है? प्रह्लाद महाराज जी सत्ययुग में कह रहे हैं मोतीर्ण कृष्णे परतो शतोभा, तो प्रह्लाद महाराज की गलती हो गया है, जरूर प्रह्लाद महाराज की गलती हो गया ना। प्रह्लाद महाराज सत्ययुग में की कृष्ण का नाम बताए, मूरख नंबर वन। ऐसा कोई बात नहीं है, सत्य देवता दापुर को लिए तो चलते रहते हैं, को राम आगे कि कृष्ण आगे, कृष्ण आगे कि राम आगे कि कौन आगे, ये विचार नहीं चलता महाराज, ये विचार नहीं चलता। आलात तो चक्रवत चलते रहते हैं, इसलिए ये निषेध है, ये विचार करना उचित नहीं होगी। और जो श्लोक देके मैं शुरुआत किया, इसमें सुंदर बात बताया, सुतक्षित पतन अनुनाथ पुंसम, क्योंकि प्रभुपाद जी का कहना है किसी ने अगर सौत पंथा में अवस्थित नहीं है उसका लिए भगवत प्राप्ति भगवत भजन नामुमकिन है, संभव नहीं है। कोई अगर व्यक्ति अपना मनमानी भजन कर रहा है सौत पंथा में अवस्थित नहीं है उसका लिए हरि भजन संभव ही नहीं है, चाहे राम भजन करे कहे कृष्ण भजन करे कोई भी भजन करे इसका लिए संभव नहीं, क्योंकि सुतक्षित पतन अनुनाथ, सुतक्षित पतन अनुनाथ ननुनाथ पुंसा, पहले सुतो क्रिया, पहले श्रवण किया चलेगा उसका बाद दर्शन हो सकता। और ओरल रिसेप्शन, जितना सारे इंद्रियां हैं उसमें कान कर्णेन्द्रियो सबसे पहले एक्टिव बना दिया ठाकुर जी ने बच्चा उम्र में, इसी में लिखा गया सुतक्षित पतन अनुनात पुंसम, जो श्रवण में नहीं आया हम मुखस्थ करके तत्व व्याख्या करेंगे लोगों का साथ, और विदेश जाएंगे व्याख्या करेंगे पैसा लेके इकट्ठा करेंगे, मरोगे 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 कुछ नहीं होने वाला। ऐसा है जिसका सौत पंथा में विश्वास नहीं है, जो सौत वाणी का विरोध करता है वो मायावादी है, उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं है वैष्णव समाज में, वो मायावादी 100%। जिसका सौत पंथा में विश्वास नहीं है सौत वाणी के अवस्थित साधु गुरु वैष्णव पर भरोसा नहीं है वो मायावादी है, इज गोइंग टू डाई, इसका कोई संभव नहीं है भजन करना। सुतक्षित पतन मतलब पहले श्रवण किया चले उसका बाद इच्छा, पहले ही कोई आदमी श्रवण नहीं किए भगवान को दर्शन के लिए पागल बन जाए उसका पागलपंथी ही पागल, इसका पागलपंथी है। जिन्होंने सौत पंथा में नहीं गया श्रवण नहीं किया गुरुवर्गो से, अपना मनमानी सिद्धांत तो बता रहे हैं, बस पैसा का बल है और कुछ नहीं है। जो सौत पंथा में अवस्थित नहीं हुआ, जो सौत पंथा में अवस्थित नहीं हुई है और भगवान को दर्शन करने के लिए भगवान को मिलन के लिए व्यस्त हो गया वो पागल है, हो नहीं सकता। पहले श्रवण किया सौत पंथा उसके बाद लिखा हुआ है त्वंग भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे, हित सरोज आससे, सरोज हृदय पद्म फूल, हृदय रूप पद्म फूल में परिस्फुटन होने का बाद जो कथा कान देके प्रविष्ट होकर राधा रानी जी ने बताई, हृदय
हैं भाई जे कानेर भीतर दिया हृदय पशी लोगो, बांग्ला में है, कानेर भीतर दिया हृदय पशी लोगो आकुल व्याकुल करिलो प्राण, कान देके प्रविष्ट होकर हृदय में प्रविष्ट हुआ है शब्द ब्रह्मो और पागल बना दिया, पागल बना दिया, दर्शन के लिए तरसते रहती है। जो श्लोक चैतन्य चैतन्य है ना कि अद्भुत कृष्णे थी वर्णोदयी तुंडे तंड विनिरुथी तुंडावि लब्धई कर्ण क्रोर करम मिनि घटित कर्ण अर्भदेभ्य स्प्रियाम चेतो प्रांगण संगनी परम है चित प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम किथिम न जाने अनिता। कि अद्भुत अमृत कृष्ण थी वर्णोदयी, कृष्णो ये दो शब्दों दो जो अक्षर है इसमें क्या ताकत है मैं जानता, सुनने के साथ साथ ही पागल बना दिया। ऐसा करके सुंदर व्याख्या आते हैं और महाराज हमारा नृसिंहदेव का पूर्ण कृपा प्राप्त हो, जिसका भागवत जी महापुराण का एक एक अक्षर का क्या क्या माने हैं सीधा साईपाद, जिसको सम्मान दिया महाप्रभु जी ने, बल्लवाचार्य को गाली दिया, बल्लभ भट्ट को बोले स्वामी नहीं माने तारे बेशा मत गुनी, जो स्वामी नहीं मानता है वो तो बेशा है, स्वामी नहीं माने तारे बेशा मत गुनी। ऐसा सीधा साईपाद क्यों राम जी का वंदन करके शुरू किया भागवत का टीका, पहले कारण ये है भगवान का भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है, लेकिन ऐसा अवतार अनोखा अवतार है जो कृष्ण अवतार में कोई सेतु बंधन नहीं किए, प्रेम का सेतु तो बंधन किए जरूर, प्रेम का सेतु का बंधन तो किए, लेकिन ये जो श्लोक है रामचंद्र सेतु बंधन किए, आसानी से रामेश्वरम से लंका जाने का सेतु बंधन कर दिए, असंभव। हनुमान जी महाराज एक एक पत्थर में राम नाम लिखा और पत्थर पानी में तैरते रह गए, अभी भी प्रमाण है। श्रीलंका से रामेश्वरम तो अब इंटरनेट में छवि आता है, छवि आती है उसमें इसमें भगवान रामचंद्र का बनाया हुआ जो सेतु है, सेतु बंधन जाने का समय में ये सेतु को तोड़ दिया, क्योंकि प्रबंध ये जो वरुण देव प्रार्थना किया प्रभु मेरे को बंधन करके जा रहे हो, मेरे को मुक्ति कर दो मेरे को, इसीलिए रामचंद्र जाते समय बांध चला के उसको तोड़ दिया, इसीलिए तमाम जो ब्रिज है वो जो पत्थर का सेतु है वो नीचे दिखेगा पूरा नीचे, अभी भी साइंटिस्ट लोग प्रमाण किया। हनुमान जी महाराज ये सब किए, तो इसीलिए सीधा साईपाद बड़ा भरोसा रखकर कि एक कृपा राम जी अगर कृपा करे उसका ही जो जिससे कृष्ण भगवान से आए हैं रामचंद्र आदि पुरुष, तो ठीक है अगर कृपा करे तो मेरा भी हो जाए, बेरा पार हो जाएगा, मेरा भी पार हो जाएगा, ऐसा करके कर दिए। रामचरित का बारे में रामलाला का बारे में बताने जाए तो महीनों पर घंटा घंटा क्या है, महीनों पर घंटों भर महीना भर पूरा चर्चा होते रहेगा, आदि अंत तो नहीं है, लेकिन समय थोड़े हैं, इस समय थोड़ी समय में करना है। इस बारे में मैं थोड़ा टच करना चाहूँ, भगवत जी महापुराण का ध्येयम सदा परिभवन परिभवग्नम अविष्ट दोम, वो भी गुरुवानुगत्व में प्रभुपाद का भक्ति विनोद ठाकुर का और विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद का अनुगत्य में पूरा व्याख्या करने जाए तो बड़ा समय लगेगा। क्यों ये जो श्लोक है, ये श्लोक राम जी का बारे में एप्लीकेबल, ध्येयम सदा ये जो है इसका तो थोड़ी है ना थोड़ी सी शब्द में व्याख्या करेंगे, समय नहीं है। ध्येयम सदा
ये रामचंद्र के बारे में कृष्णचंद्र दोनों के बारे में व्याख्या हो सकता और विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद प्रभुपाद सारे दिखाए ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का बारे में भी एप्लीकेबल है, व्याख्या किया जा सकता। लेकिन आज चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि अभी रामचंद्र का आविर्भाव तिथि इसी का ध्येयम, ध्येयम माने ध्यान योग्य है, ध्येयम ध्यान करने लायक है। ध्येयम सदा परिभवन मविष्ट दोहम, जितना सारे विघ्न है सब चूरमार करके अविष्ट देने वाले जो है चरण है ध्येयम सदा परि भवभवन, ये पृथ्वी में भव पृथ्वी जितना सारे विघ्न विपद आते रहते हैं इसको विनाश करके आपदम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदम रामादि रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। तो ध्येयम सदा परि भवभवन अविष्ट दोहम मविष्ट दोहम, प्रभुपाद कहते हैं कि कोई धर्म अर्थ काम मुख्य ये कोई किसी आत्मा का अविष्ट वस्तु नहीं हो सकता। इसका लंबा चौड़ा व्याख्या कभी हो सके हम करेंगे अलग से, फिर दो श्लोक का व्याख्या होगा और कुछ नहीं, जरूर करेंगे समय आ रहा है ठाकुर जी का कृपा से। सो ध्येयम सदा परिभवनम अविष्ट दोहम, प्रभुपाद कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मुख्य ये जो कामिनी कांचन प्रतिष्ठा ये अविष्ट होनी नहीं चाहिए, ये तो बंधन में डालने वाले, ये अविष्ट वस्तु नहीं है, अविष्ट वस्तु है भगवान का प्रेम। स्वधेयम सदा परिभवन अविष्ट दोहम तीर्थास्पदम, तीर्थों का तीर्थ है। जैसे याद है ना विदुर जी महाराज कैसे तीर्थों को तीर्थ बना दिया, युधिष्ठिर महाराज के कहना है कभी बेकार नहीं जा सकता, याद है ना कैसे विदुर जी महाराज को अपमान किया दुर्योधन ने, कैसे विदुर जी महाराज के अपमान किया, निकाल दो भरे सभा से निकाल दो इसको, दासी पुत्र को कहां से आ गया, हमारे ही अन्न में प्रतिपालित होके हमारा शत्रु का जयगान करे, निकाल दो इसको धक्के लगाकर, ऐसा अपमान किए विदुर जी महाराज को जिंदगी में किसी ने ऐसा अपमान नहीं किया, क्योंकि विदुर जी महाराज महाभागवत है, साक्षात जुमराज जी महाराज है, दादोश महाजनों का एक जन है, लेकिन क्या करते असुर समाज में संत समाज का आदर नहीं है, असुर समाज में संतों का आदर नहीं हो सकता। कंसों ने मीटिंग किया इस साधु संतों को मार डालो और जाग जोगो जितना सारे हैं विष्णु का साथ जुड़ा हुआ जितना सारे उसको तोड़ डालो, इसको बंद करो यज्ञ आदि सारे, विष्णु ऐसे ही मर जाएगा, विष्णु ऐसे ही मर जाएगा, सब बंद कर दो। तो विदुर जी महाराज को अपमान हुआ, कैसा अपमान देखो, विभीषण जी महाराज का अपमान हुआ, बार बार रावण को प्रार्थना किए भाई जी ऐसा रास्ता पर नहीं चलनी चाहिए, न्याय का रास्ता पर चलनी चाहिए, मैं हक कह रहा हूं, मैं सच्चा कह रहा हूं, राम कोई साधारण आम आदमी नहीं है, भैया आप मान लो तो ठीक है इसी में भलाई है, लेकिन कौन माने, चोरों का कान में, डाकू का कान में, मायावादी का कान में भक्ति का कोई उपदेश उतारता नहीं, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसा अपमान किया विदुर जी महाराज, जिसका मारे में युधिष्ठिर महाराज हैं तीर्थभूता स्वयं विभो, आप तो स्वयं तीर्थों का राजा हो, आप तीर्थ जाते हो तीर्थों को तीर्थ बनाने के लिए, तीर्थों को तीर्थ तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी शांतस्तेन गदाभृता, बताओ आप क्या करें, तीर्थ कुर्वंती तीर्थानी तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं, तीर्थों का जो प्रभाव है ये कमती होते जाता है, तीर्थों का प्रभाव को ये जो कुंभ मेला है जो भी है जहां इलाहाबाद है कोई भी तीर्थ है, तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं संत महात्मा, जानकारी है ना,
तीर्थों को तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी शांतस्तेन गदाभृतः। भगवान गदाधर भगवान को हृदय में हृदय संन्यास सिंहासन में बैठा के रखा है। भक्तिर हृदय सदा गोविंदेर विश्राम, भक्तों का हृदय में गोविंद का विश्राम है, इसीलिए भक्तों को बैठा के रख। भक्तों हृदय सदा गोविंद विश्राम, भक्तों के हृदय में गोविंद का विश्राम है, क्योंकि वहाँ कोई चाहत नहीं है, कामना वासना नहीं है, भगवान का क्लेश नहीं होगी। देखो क्या बात है, विभीषण को एक लात लगा दिया छाती पे, निकाल यहां से, हमारा शत्रु का बात कह रहे हैं। विभीषण ने चल दिए, बोले ठीक है, मेरा जो सद उपदेश है, मेरा जो सद उपदेश है आपका कानों में नहीं उतरा, ठीक है मैं जा रहा हूं, मेरा जाने का इच्छा नहीं थी, फिर जा रहा हूं। श्री राम कोई मामूली आदमी नहीं है, साक्षात परात्पर अखिलेश्वर रामचंद्र भगवान है, भैया मान लो तो इसी में भलाई है, कौन सुने। तो धैयम सदा परिभवग्नम अविष्ट दोहम तीर्थास्पदम, ये जो श्लोक है ये राम जी के बारे में हम व्याख्या करेंगे आज, आज का दिन। तीर्थास्पदम, तमाम तीर्थों का उद्गम है रामचरण, रा बोलने से हो जाता मंगल, मौत तो दूसरा बात है, इसका बारे में कहानी है महाभारत में, कहानी है। जैसा है देखो, तीर्थास्पदम तमाम तीर्थों का आस्पद है, तमाम तीर्थों जिसका वंदना करते रहते हैं, तीर्थास्पदम शिव शिव बिरिंचनुतम शरण्यम, शिव शंकर भगवान बिरिंची ब्रह्मा आदि जामुवान तो ब्रह्मा जी है, और शंकर भगवान आप जानती हो कैसे रामेश्वर रामेश्वर में महादेव का पूजा किया है, सब भगवान का लीला है। ये मायावादी लोग उल्टा व्याख्या करते हैं, बोलते देखो राम जी हैं रामेश्वर महादेव का स्थापन किए, प्रतिष्ठा किए, देखो कैसे पूजा किए। अरे ठीक है, ये नियम है, भक्तों और भगवान एक दूसरे को पूजा करते रहते हैं, एक दूसरे को पूजा करते रहते हैं। मेरे रामेश्वरम लिखा है राम है रामस्य ईश्वर रामेश्वर ईश्वर रामेश्वर ईश्वर इति रामेश्वर, ऐसा व्याख्या करते रहते हैं मायावादी लोग, वो जानते नहीं राम जस्व ईश्वर है, राम भक्ति जो दे सकता है वो महादेव है, रामेश्वर महादेव है, राम जस्व ईश्वर स्वरामेश्वर। बहुत कहावत है, इस टाइम नहीं है अभी कहने का, भगवान रामचंद्र ने प्रमाण कर दिया, शास्त्र में लिख दिया, नहीं ये नहीं है। शंकर भगवान ने शंकर भगवान में आकाशवाणी करके बोल दिया, नहीं ये व्याख्या नहीं है, राम सबके का ईश्वर है, हमारा भी ईश्वर है, सो राम जो सो ईश्वर है रामेश्वर। तो जो भी है, धेयम सदा परिभवग्नम अविष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम आर भृत्वार्थी, हम भृत्व अपना सेवक का आरती हरण करते हैं, दुख आपदम अर्थ अपहर्तारम, ये जो बोला पहले ये देखो, भृत्वार्थी हम, भृत्व का अंदर में जो आरती है, वेदना है, ये सब जड़ से खत्म करते करने वाले जो रामचंद्र है, भेदवात्व हम प्रणतपाल, प्रणतपाल समस्त लोकपाल गण जिसका प्रणत प्रणाम करते रहते ओ जिसका चरण कमल भवाद्दीपूतम, ये पृथ्वी ये जय करने के लिए बड़ा बड़ा अनोखा मेडिसिन है, श्री राम चरण आश्रय करके भव समुद्र पार हो जाओगे,
ऐसा संभव है। सो प्रणत बाल भवद्दीपोतम भवद्दी भवद्दी भव सागर पार करने के लिए ये रामचरितमानस रामायण ये राम जी का चरण कमल कितना अनोखा देखो। वेदातिहम प्रणत बाल भवद्दीपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, ऐसा महाविज्ञ महापुरुष है श्री राम भगवान मनुष्य रूप पकड़ के आए हैं, नित्य अवस्थिति है। ऐसे तो आदमी कहते हैं कि जो राम रूप नित्य स्थिति है राम अवधपुरी में, जब भगवान चले गए अयोध्या पुरुषे तो तमाम जीवों को उद्धार दिलाया लेके चला गया। हरिदास ठाकुर ने इसका खुलासा किया जे कैसे महाप्रभु कहते तो अयोध्यापुरी में सारे जीव अगर उद्धार हो गया, नया जीव आया कहाँ से? मतलब महाराज जीव संख्या असंख्य है अनादि है, नया जीवों के द्वारा निबो नया जीवों का जो पूर्व कर्म संस्कार है उसमें इसमें प्रेरित कर भगवान तमाम अयोध्यावासी को लेकर अवधपुरी अयोध्यावासी को लेकर पधर गए, अवधपुरी नित्य धाम को चले गए। और ऐसा मापिक महापुरुष यह महापुरुष का चरण वंदना करे, वंदे महापुरुष ते चरणारविंद, महापुरुष का चरण कमल में वंदना करे, इसमें सर्वाभिष्ट पूर्ति हो जाए। इसका बारे में लंबा चौड़ा व्याख्या है, बार बार कह रहा हूं, लंबा चौड़ा व्याख्या का टाइम नहीं है, अब कभी करेंगे। दूसरा श्लोक का त्यक्त्वा सुदुष्टाज्य सुरेप्सि तराज्य लक्ष्यम धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगादरण्यम मायामिगम दैतेप्सितम वधावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुष्टाज्य सुरेप्सि तराज्य लक्ष्यम। त्यक्त्वा त्यक करके सुदुष्टाज्य अत्यंत कठिन है, इतना वैभव राज्य राजधानी तमाम छोड़कर चले जाना जंगल में ये असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्वेक्ता सुदुष्टाज्यो ये असंभव है, ये राजलक्ष्मी ऐसा सारा वैभव आदि जो असंभव है ये सब छोड़कर राम जी भगवान चले गए जंगल को, किस लिए? बोले त्यक्त्वा सुदुष्टाज्य सुरेप्सित, सुरेप्सित मतलब स्वर्गलोक में इंद्र भगवान वरुण आदि सब इप्सित मतलब प्रार्थना करते रहते, ऐसा राजलक्ष्मी को छोड़कर भगवान चले गए जंगल। देखो त्यक्त्वा सुदुष्टाज्य सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ, जो धर्म पालन करने वाले हैं, भगवत धर्म तो भगवान से ही विकसित हुए, भगवत धर्म और भगवान में कोई अंतर नहीं है, जो भगवान है वही भगवत धर्म है, इसका बारे में तो कोई संदेह है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है धर्मिष्ठों के द्वारा ये शब्दों के द्वारा आम आदमियों में एक गलत फहमी दूर करने का कोशिश की व्यासदेव गोस्वामी। ये कहना का मतलब है वो बड़ा धार्मिक थे, धार्मिक मतलब भगवत धर्म को आगे रखते हुए वो अपना राज्य राजधानी जीवन जिंदगी को गुजारा करते थे ठाकुर जी राम जी। अगर राम जी नहीं होते, ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार अगर नहीं होते तो हमारा शिक्षा अधूरा रह जाता, क्योंकि कृष्ण लीला में भगवान का जो लीला है ये सब कोई का अधिकार नहीं है। राम जी का लीला में बहुत सीधा साधा इंसान बनकर भगवान जी लीला किए है ना, ऐसा सुंदर इंसानियत प्रकटित किए ये सपने का बाहर है। देखो धर्मिष्ठ आर्य वचसः, राज्य राजधानी में बैठने का अधिकार है बड़ा लड़का का,
दशरथ जी महाराज का बड़ा लड़का है रामचंद्र जी महाराज, रामचंद्र को बैठना है, रामचंद्र को राजा बनाने के लिए तैयार किया गया, व्यवस्था सारे व्यवस्था हो चुका। इसी अवस्था में कैकेयी जी का पहला ड्यू, पहला कोई ड्यू था बर, तीन बर, ये दशरथ जी महापुरा दशरथ जी महाराज का बड़ा भारी एक फोड़ा हुआ था, उसको मुंह से पिघल दिया और बचाया 20 फोड़ा। ऐसे कैकेयी को बर दिया, तुम 3 बर मांग लो। तो बोले समय आने से मैं मांग लेंगी, मांगूंगी, समय आने से मांगूंगी, अभी नहीं। अब मंथरा क्या किया, उसको बुद्धि दी, ऐसा तो विचार है, लेकिन टीकाकारों का विचार और कुछ और है। अगर कैकेयी अगर ऐसा नहीं करती तो राम जी का वनवास संभव नहीं हो पाता। राम जी का ऊपर कैकेयी का प्यार इतना कि मत पूछो। अब रामायण पढ़ो, गुरु वैष्णव का अनुगत्य में रामायण पढ़ो, वहां देखोगे जे की कौशल्या नंदन कहा जाता है, कौशल्या नंदन ठीक है, देखिए कैकेयी नंदन ये भी झूठा नहीं है। कैकेयी नंदन अगर बोला जाए ये भी झूठा नहीं है, आदमी को गलत फहमी है, कौशल्या नंदन है, लेकिन कैकेयी नंदन ये भी पक्का बात है, क्योंकि कैकेयी का साथ कैकेयी का गोदी में, कैकेयी का गोदी में राम जी का ज्यादा 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 विलास हुई, जितना सारे बाल बाल लीला हुई ज्यादा से ज्यादा कैकेयी का गोद में। कैकेयी का साथ राम जी का इतना संबंध है कि आम आदमी को पता नहीं, वो गलत समझते हैं, गलत समझते हैं, गाली देते हैं। कैकेयी बोल के कोई नाम भी रखा गया नहीं, रखा गया ये धरती पर किसी कन्या का नाम कैकेयी नहीं रखा जाएगी, ऐसा भरत जी महाराज इतना असंतुष्ट हुए। ये भी लीला है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों रूप में, जैसे पंचतत्मात्कम कृष्णम भक्त रूप स्वरूप स्वरूपकम, ये जो बताया गया पंचतत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त बिंदु, 5 तत्व रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु परात्पर अखिलेश्वर भगवान खुद प्रकाशित हुए। ये 5 रूप पकड़कर खुद चैतन्य महाप्रभु है, इसका प्रकाश है ना, तत्शक्ति तत्प्रकाश है ईश्वर भक्तो है ना, ऐसा करके 5 रूप पकड़कर भगवान प्रकटित हुए। यहां भी रामलीला में भी ऐसा आता है सिद्धांत विचार, राम लक्ष्मण लाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसा विचार आता है, ऐसा विचार आता है। 4 रूप धारण कर में दशरथ का बेस्मनी, दशरथ का घर में भगवान आविर्भाव भये। आज का दिन मैं पहले इस बात का खुलासा करना चाहूं कि कैकेयी के साथ गुप्त संबंध हो श्री राम जी का, किसी को पता नहीं। कैकेयी जी को राम जी प्रार्थना किए, माँ तुमसे ऐसा ऐसा कुछ चीज मांगू जो देना असंभव है। कैकेयी जी प्रतिज्ञा की, ऐसा कुछ चीज है ही नहीं जो तेरे को मैं नहीं दे सकूंगी, ऐसा कुछ वस्तु है ही नहीं, मेरा तन मन धन सब कुछ तेरा ही है। सच्चा बात है, यह सच्चा बात है, तो मैं मांग ऐसा मांगू बर, तुम्हारा मुख से जबान से ऐसा मैं प्रतिश्रुति प्रतिज्ञा चाहता हूं जिसमें तमाम दुनिया तुमको घृणा करेगी, तुम्हारा नाम पे तुम्हारा लड़का भी चिढ़ेगा, मंजूर है? यस मंजूर है, मांगो। बोले तुम्हारा जो 3 बार है, 1 बार के द्वारा भरत सिंहासन में बैठे, क्या कहते हो? नहीं तुमने कहा हां, तुमने कही ना हां,
तुमको यही मांगने का अवसर है, मांग लो। भरत सिंहासन में बैठे, 14 बरस के लिए राम वनवास से आएंगे, ये कैसे संभव है? ये संभव है, तुमने हां कह दी ना, संभव है। ऐसा करके पूरा अवधपुरी में आनंद का बार चल रहा था। लेकिन जब दशरथ जी महाराज का पास कैकेयी कैकेयी जी महारानी ऐसा मांगी, तो दशरथ जी अस्वस्थ हो, दशरथ जी का भी हालत बहुत खराब, मरने का चक्कर, ऐसा अवस्था में पहुंच गए। फिर भी वादा किया तो वादा तो पूर्ति होनी चाहिए, वादा तो वादा ही है। यहाँ धर्मिष्ठ आर्य वचसः, ये जो दशरथ जी महाराज का जो वाक्य पितृसत्व पालन, दशरथ जी महाराज का जो वचन है पितृवाक्य सत्य बनाने के लिए, रामचंद्र जी महाराज जो जंगल में गए 14 साल के लिए, धर्मिष्ठो आर्य वचसः, आर्य वचसः आर्य कौन है, आज जो कौन है, बस दशरथ जी महाराज, अर्जो बचसो वाक्यों के द्वारा इस वाक्यों को साबित करने के लिए, प्रमाण करने के लिए जो सच्चा बताए, धर्मिष्ठो अर्जो बचसो जद अगाध अरण्यम, जो जंगल में गए 14 साल के लिए, अपना जंगल में भटकते रहे, और माया मृगम द्वैते सीतम धावद, माया मृगो जो सोना का हरी हिरण, सोने का बनाया हुआ हिरण मारिच, सोने का, इसके बाद को मारिच का भी बौद्ध हुआ, उसके बाद खर दूषण रावण का भाई, इसका भी मौत हुआ, बस सब हो गया, मौत का घाट पर उतार दिए राम। लेकिन माया मृगन, जैसे सीता जी कही हमको ये सोने का जो ये मृग है, ये मेरा आश्रम में रखे तो अच्छा है, मेरा इच्छा हुई, तो माया मृगम द्वैतव सीतम धावत, द्वैत है ना, द्वैतों का बहुत सारे व्याख्या हो सकता है, लेकिन अभी यह करने का टाइम नहीं है। अपना सीता जी का कहने पर जो राम जी एक सोने का हिरण का पीछे दौड़ लगाए, स्वयं परात्पर अखिलेश्वर होने से भी इच्छा करके माया मृगों का पीछे दौड़ लगाए, इसमें यह भी साबित हो सकता है कि राम जी भगवान नहीं है, ये साधारण मानव है, दूसरे को बुका बनाए का चक्कर, दूसरों का बुका बनाए, मायावादी को, साधारण आम आदमी को बुका बनाने के लिए, बुका बनाने के लिए रामचंद्र जी दौड़ लगाए, किसका पीछे, माया मृगम द्वैत सितम धावत अम्ब धावत, इसका पीछे दौड़ लगाए। और ऐसा मापिक जो भगवान है, जो एकदम बिल्कुल मानव जैसा लीला करके दिखाए, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, ऐसा महापुरुष श्री राम चरण में मेरा कोट 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 दंडवत है, मैं दंडवत ज्ञापन करना चाहूं, ऐसा राम जी का चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, मेरा हर वक्त बने रहे मेरा मति, जो राम भगत है इसका यही कहना है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण 5वां स्कंद में आता है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कह रहे हैं, देखो आम आदमी सोचेगा, देखो ये कैसा है, राम जी भगवान है, क्या ये माया मिगो है, ये हिरण जो है माया का है, कैसे राम जी के समझ नहीं पाए, महाराज यही तो लीला है। जैसे एकदम साधारण मानव का मापिक लीला अगर ना करे, उसमें कोई वैभव प्रकट करे, ऐश्वर्य प्रकट करे, तो ये तो लीला नहीं है, ये तो लीला नहीं है, ये लीला नहीं कह सकता, इसको ये लीला नहीं हो सकता। तो इसीलिए देखो कितना सुंदर है, पूरा एकदम भगवान आम आदमी साधारण आदमी जैसा लीला करके पूरा दौड़ना शुरू कर दिए। और सुखदेव गोस्वामी का कहना है,
किं पुरुष वर्षे किं पुरुष वर्षे भगवन्तं आदिपुरुषं लक्षणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरतो परमो भागवतो हनुमान सहो किं पुरुषैरवीरत भक्तिरुपास्ते। किं पुरुष वर्ष में हनुमान जी को आचार्य बना के रखे दिया, अभी भी भजन करता है। किं पुरुषे वर्षे भगवन्तं आदि पुरुषं लक्षणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरतो परमो भागवतो हनुमान सहो किं पुरुषो वर्षे रविरतो भक्ति रूपास्ते। ऐसा करके और अरिष्ट सेनेन सहो गंधर्वै रनुगीयमानं परमो कल्याणिं भर्तिर भगवद कथां समुपश्रणोति स्वयं चेदं गायति। कौन सी मंत्रों गाते रहते, कौन सी मंत्रों? ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकायो नमो आर्यलक्षणो शीलव्रतायो नमो उपशिक्षितात्मनो उपासितो लोकाय नमः साधुवादो निकासायो निकासनायो नमो ब्रह्मण देवायो महापुरुषायो महाराजायो इति। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकायो नमो आर्यो लक्षणो शीलव्रतायो नमो शिक्षितात्मनो उपासितो लोकायो नमः साधुवादो निकोषनायो नमो ब्राह्मण देवायो महापुरुषायो महाराजायो नमो इति। ऐसा करके बहुत सारे श्लोक व्याख्या करने का टाइम नहीं, मैं एक श्लोक व्याख्या करना चाहूं। मर्तावतारो तुई हो, मर्तो व्यक्ति जैसा, साधारण मर्तो व्यक्ति जैसा, ऐसा लीला किए। मर्तावतारो तुई हो मर्तो शिक्षण रक्षो बधायो न केवलं विभो कुतो अन्यथा साद रमत हो स्व आत्मनः सीता कृतानि व्यसनानि कुतो ईश्वरस्य न मर्तावतारोत्ति हो मर्तो शिक्षण रक्षो बधायो न केवलं विभो कुतो अन्यथा स्वाद रमत हो स्व आत्मन सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। मतलब ये है सीताकृत व्यसनानी कुतो ईश्वरस्य, ईश्वर का सीता का लिए इतना हंगामा समस्या कहां से आ गए? ये असली कारण नहीं है, ये भगवान मनुष्य जैसा लीला करके लीला रचाए, इसलिए इच्छा करके लीला दिखाए। ये इतना हंगामा सीता का पीछे इतना हंगामा हो गया और फिर आगे चलकर सारे राम रावण का युद्ध हुई, उसका बाद लंका जाए करके रावण को नाश करके वापस आए, इतना सारे फिर सीता का अग्नि परीक्षा भई सारे। मैं एक सिद्धांतों का बात कह के इधर विश्राम देना चाहूं क्योंकि टाइम नहीं है, ये तो चलते रहेगा। अगले साल राम जी का अवतार, उस टाइम में दूसरा चर्चा हो पाएगा। यहाँ एक चर्चा हम करें कैसा प्रजावत्सल है भगवान। राम जी का दरबार में इंसाफ का तराजू लेकर राम जी खड़ा हुआ, एक कुत्ता भी। कहावत है राम राज्य है, इसमें किसी का साथ बेइंसाफी हो ही नहीं सकता। एक कुत्ता के भी कहानी है, ये कहने का टाइम भी नहीं है, अभी उसका भी इंसाफ मिला। जो भी है, एक दफे रामचंद्र जी के पहले राजाओं का ही अभ्यास जे अपना सिविल ड्रेस साधारण ड्रेस लगाकर राजधानी में डोलते रहते हैं रात का टाइम में, देखने के लिए प्रजाओं का कोई कष्ट है कि नहीं, ये देखने के लिए। राम जी एक दफे निकल पड़े रात को
और देखे एक गृहस्थी का घर में झगड़ा चल रहे पति पत्नी में, और पत्नी कह रहे हैं कि मैं राम नहीं हूं, मैं नाम नहीं हूं, जे तेरे को दूसरे के घर में रहने का बावजूद तेरे को हम ग्रहण करेंगे, नहीं ग्रहण करेंगे। पत्नी को कह रहे मैं राम नहीं हूं, तेरे को ग्रहण करे। ऐसा सुन के राम का तो चक्कर आ गया। राम बोले अरे ये क्या बात है। फिर जाके अग्नि परीक्षा का अग्नि परीक्षा का माध्यम सीता का चेष्टिटी सतीत्व परीक्षा है, उसका बाद भी प्रजा का संतोष के लिए अपना हृदय का टुकड़ा स्वरूप शक्ति सीता देवी को जंगल में भेजती लक्ष्मण के द्वारा विश्वामित्र का आश्रम में। ऐसा कहानी सुनने का बाद हृदय चूर चूर हो जाएगा, इतना सुंदर कहानी है। ये सारे जो है राम जी का जो लीला है, ये सारे जो है नैतिक आदर्शों को सामने रखते हुए भगवान ने किए हैं लीला। बहुत सारे लीला बताने का, बहुत चर्चा करने का टाइम नहीं है, और थोड़ी समय पर अंग्रेजी कथा हो पाएगा। भगवान का ये होनहार का खेल है, आधा घंटा का कथा फूंक गया, मैं बड़ा दुखी हूँ, क्या किया जाए। और इसी जगह भगवान का कथा का विश्राम देने का इच्छा नहीं है, फिर भी कहना पड़ेगा। त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज आससे श्रुतेक्षित पतन अनुनात पुंसम जद जद धिया तो उरुगाय विभावयति तत्तद वपु प्रणयसे सदनु गृहायो वांछा कल्पतरुष्य के पास इंद्र पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः।